हूं और गाइज आज के इस वीडियो में हम अपने इकोनॉमिक्स और कैसे कैसे एमसीक्यूज आए हैं सो so, आज हम उसको देखेंगे अगर आपको ये सैंपल पेपर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो मैं आपको लिंक मैसेज के थ्रू भी दे दूंगी ताकि आप पेपर डाउनलोड कर लो ईजिली राइट तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि गवर्नमेंट अपने बजट का यानी कि ये किस चैप्टर से है गाइस पता है ना आपको गवर्नमेंट बजट जो हमारा चैप्टर है अब इसमें उनका ऑब्जेक्टिव होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसका मतलब होता है अब अपनी इनकम इनक्वालिटीज को हमें कम करना है ऑप्शन क्या दिए गए हैं हमें कैसे करती है वो इस चीज़ को इनकम इनक्वलिटी को कम करती है कैसे करती है मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनमी टू द डिजायर लेवल सो नहीं ये नहीं है बिल्कुल भी इंक्रीजिंग द जी नो जी डी इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं आता गाइज ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स डायरेक्ट एंड एक्सलूट कंट्रोल तो ये भी ऑप्शन नहीं है डी जो है ये क्या लिखा है रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस इन अ प्रो टू पुअर डायरेक्शन यस ये है जब हम लोग प्रो टू पुअर यानी कि रिच पीपल पे गाइस टैक्सेस ज़्यादा लगाते हैं और उस टैक्सेस को गरीब लोगों की सब्सिडीज में उनके एजुकेशन में हेल्थ में यूज़ करते हैं तो इस तरीके से इन इनकम इन में कमी आती है सब लोगों तक पैसा पहुंच पाता है तो अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि उनसे जो इनकम हो वो गरीबों पर खर्च करी जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है उसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड्स डैश फॉर अ फिस्कल ईयर बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग बनाते हैं ना गाइस गवर्नमेंट बनाती है किस लिए बनाती है अदर कंट्रीज के साथ उसकी क्या क्या डीलिंग हुई है उसके लिए राइट right, अब उसमें इन्होंने पूछा हमसे कि इकॉनमी क्या रिकॉर्ड करती है तो पहला ऑप्शन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट तो हमारा किसका पार्ट है गवर्नमेंट बजट का है तो ये तो नहीं है इन्फ्लुएंस आउटफ्लो ऑफ फंड ऑफ द गवर्नमेंट ओके इन्फ्लूएंस आउटफ्लो ऑफ फॉरन एक्सचेंज टू एंड फ्रॉम द इकॉनमी एंड डी ऑप्शन है इन्फ्लू आउटफ्लो ऑफ लोन टू एंड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो गायज इसमें सी ऑप्शन जो है ना इन्फ्लुएंस आउट फ्लो ऑफ ऑफ फॉरन एक्सचेंज गवर्नमेंट ये देखती है कि भाई हमारे यहाँ से कितना सामान बाहर गया जिसका पैसा हम लोगों को रिसीव होना है जो कि ऑफकोर्स बाहर की इनकम से आएगा बाहर की करेंसी में आएगा और उसी वे में हमें भी जो पेमेंट करनी है तो यानी कि सी ऑप्शन जो है फॉरेन एक्सचेंज वाला वो सही है थर्ड है गाइस आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक तो हम सबको बताए आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक से डील नहीं करता वो कमर्शियल बैंक वगैरह से डील करता है सो बैंक ऑफ इंडिया नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है क्योंकि उसका नाम सेंट्रल बैंक का क्या है आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो डी ऑप्शन आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा इनविजिबल आइटम नहीं है इसमें से ओके okay? तो पहला होता है एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट भाई इनविजिबल सर्विस है इनविजिबल आइटम बोले तो सर्विस तो एयर एंड सी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस होती है पोस्टल एंड कोरियर सर्विस लिखा ही ऑलरेडी इसमें एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल भी गाइस सर्विस का पार्ट है क्योंकि उसमें भी कोई सामान नहीं होता हमारे पास मर्चेंडाइज लिंक्ड ट्रांजेक्शन मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजेक्शन यानी कि गुड्स की बात करी जा रही है यहाँ पे गुड्स की तो ऑफकोर्स ये हमारा इनविजिबल आइटम यानी कि सर्विसेज नहीं है तो डी ऑप्शन

यही सारे कामों को गलत कामों को रोकने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया था तो स्टेटमेंट वन इज़ ट्रू सेकेंड है डीमोनेटाइजेशन हैज़ इंश्योर्ड इंप्रूव इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सो गाइज सेकेंड स्टेटमेंट में जो कि डीमोनेटाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं हमारा टैक्स जो है पेमेंट टैक्स की पेमेंट जो चोरी होने टैक्स चोरी होता था वो कहीं ना कहीं बचा है और गवर्नमेंट ने इसको पूरी अच्छी तरीके से लागू किया था तो टैक्स की भी जो चीजें थी वो इससे सुधार आया है तो ये भी बात सही है तो यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू तो का ए आंसर होगा इसके बाद है गाइस क्वेश्चन जिसमें मिस साक्षी एक इकोनॉमिक टीचर है वॉज एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट मिनिमम परसेंटेज साक्षी क्या बता रही है एक

मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ओके हाउ एवर डेलीबरेट एफर्ट्स आर मेड बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी टू कीप द एक्सचेंज रेट विद इन अ स्पेसिफिक रेंज देखो इसमें मार्केट भी आ गई मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि उस पर अधिकार रखने के लिए हमारे देश की कोई टीम आर बी आई हो सकती है वो भी आ गई ठीक है तो यानी कि दोनों चीज़ें हैं गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो रही है यानी कि बैंक भी इन्वॉल्व हो रहा है हमारे देश का और मार्केट भी है तो इसे क्या कहते हैं फिक्स्ड में तो गाइस सिर्फ हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है फ्लोटिंग वो होता है जिसमें मार्केट सिर्फ सिर्फ मार्केट होती है लेकिन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वो होती है जिसमें दोनों होती है तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फोर्थ तो इन्होंने अपनी तरफ से वर्ड बना दिया वो नहीं है ठीक है एट क्वेश्चन है गाइज स्टेटमेंट दे रखी है और आपको पता लगाना है करेक्ट ऑल्टरनेटिव ओके पब्लिक गुड्स आर दो कंज्यूम बाय द पब्लिक पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं गाइज जो गवर्नमेंट ने बना दिए जैसे आपके पार्क वगैरह हैं ये पब्लिक गुड्स का पार्ट है तो ये कोई भी यूज कर सकता है येस स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही है स्टेटमेंट टू कहती है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड ड्राइवलर्स इन नेचर क्या पब्लिक गुड्स की वजह से कोई लड़ाई हो सकती है कि उस पर कोई अपना हक आके हा जमा ले कि ये मेरा है इस पर कोई और हक नहीं रख सकता तो नहीं ये स्टेटमेंट गलत है सो ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द स्टेटमेंट टू इज फॉल्स उसके बाद है गाइस क्वेश्चन नंबर नाइन्थ अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन दो मेन कैटेगरी कौन सी होती है बहुत आसान है करंट एंड कैपिटल अकाउंट तो फर्स्ट एंड थर्ड किस में आ रहा है हमारा बी में तो वो सही होगा करंट एंड कैपिटल अकाउंट ठीक है दो पार्ट्स में हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिवाइड होता है करंट एंड कैपिटल उसके अंदर उसके पार्ट हो सकते हैं बट यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड थर्ड जो कि है बी में टेंथ क्वेश्चन क्या है गाइस आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर इसमें से कौन सा आर बी का, का काम नहीं है

द बेसिस ऑफ द डैश फाइव ईयर प्लान यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था गाइज वो किस ईयर में आया था फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में या फोर्थ या सेकेंड या थर्ड तो देखो इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में आया भाई तो कब आया होगा सेकेंड फाइव ईयर प्लान में क्योंकि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान कब तक था फिफ्टी वन से फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स से जो प्लान था उसका था सेकेंड तो सेकेंड इसका आंसर होगा मतलब सेकेंड फाइव ईयर प्लान में जो कि है आपका सी ऑप्शन अब गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाकी के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आई होप गाइज़ आपको समझ होंगे इन्होंने काफ़ी कंसेप्ट डीपली पूछे हैं तो आप लोगों को उसी तरीके से चैप्टर को एक बार थोड़ेली ज़रूर पढ़ना है अदरवाइज़ एम करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको आ जाएगी इसलिए चैप्टर को ज़रूर थोड़ेली रिवाइज ज़रूर करें